स्टूडेंट्स हैं जो अभी प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करेंगे है to to it, क्या, क्या आपको करना है, है क्या क्या ऐसी चीजें जो आपको मतलब नहीं करनी है ड्यूरिंग दी प्रिपरेशन बिकॉज बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी कई लोग फॉलो करते हैं कि वो कंसिस्टेंटली उसको करते जाते हैं एंड तक आपने देखा होगा पिछले साल के अन अकेडमी जो टॉपर्स रहे हैं उनके भी इंटरव्यूज वगैरह देख के कि कोई भी ना ऐसे बहुत एक्स्ट्रॉडिनरी स्टूडेंट नहीं होता है उन्नीस बीस स्टूडेंट होते हैं जनरली ठीक है कोई थोड़ा सा ज्यादा कम लेकिन कोई ऐसे बहुत एक्स्ट्रा नहीं है कि भाई वो तो पैदा ही क्लैट निकालने के लिए हुआ था वो कुछ बेसिक चीजें सही करते हैं वो अपने एजुकेटर्स जो भी जिनको भी वो फॉलो करते हैं उनकी बातें वो ठीक से सुनते हैं और अपनी प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देते हैं इन दिस पर्टिकुलर सेशन आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू कि आप 11 महीने की अपनी प्रिपरेशन कैसे आगे बढ़ा सकते हो इफ यू हैव नॉट इवन स्टार्टेड इट अगर आपने अभी से स्टार्ट भी नहीं किया है ना किस तरह से आप उसको बेटर कर सकते हो सो so, अभी बताऊंगा पता भी होंगी आप नोट डाउन कर सकते हो एंड मेक दिसमेज करना है अब क्योंकि देखो मेरे कोई बार ऐसा लगता है और मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा हम क्लाइड एस्पेरेंट्स और मैं क्लैड एजुकेटर हूँ जनरली अगर आप स्कूल में कभी किसी से बात करो कि भाई आपको करियर में आगे क्या करना है तो आपके टीचर बोलेगे साइंस लेके आई कर लो या फिर अगर मतलब आई नहीं करनी तो तुम साइंस लेके नीट कर लो है ना या तो इंजीनियर बन जाओ डॉक्टर बन जाओ आप बोलोगे नहीं सर कॉमर्स लेना है तो कॉमर्स तो फिर सीए कर लो है ना आप बोलोगे नहीं ह्यूमैनिटीज लेना है तो बोले पहले तो, तो बहुत कन्विंस करेंगे कि अगर ह्यूमैनिटीज के ले रहे हो तुम तो अच्छे बच्चे हो या फिर तुम तो अच्छे एवरेज बच्चे हो है, तो है ना वायर टेकिंग ह्यूमैनिटीज फिर ह्यूमैनिटीज लोगे गए तो आपको समझेंगे कि अच्छा ये बच्चा तो हाथ से निकल गया अगर आपने क्लैट करने का सोचा है ना जो आपको जनरली किसी ने एडवाइज नहीं किया था तो यू हैव यू आर अ क्वाइट अवेयर एस्पेरेंट ऑलरेडी ठीक आप काफी ज्यादा अवेयर एस्पिरेंट हो जिसको पता है कि वो क्या गलत कर रहा है और क्या सही कर रहा है सो नाउ यू हैव टेकन दिस ब्रेव डिसीजन टू राइट दिस एग्जाम विच नो बड़ी सजेस्टेड यू टू राइट यू योर सेल्फ रिसर्च फॉर इट तो जब हम ये डिसीजन दे लेते हैं इट्स ऑलवेज बेटर टू गो फॉर इट प्रॉपरली एज वेल अच्छे से उस एग्जाम को दे भी उसको अच्छे से प्रिपेयर भी करें तो मैं आपको कुछ पहले स्टार्ट करता हूं कि डेली टास्क क्या रहेंगे आपके अगले इलेवन मंथ में टू बी एबल टू डू बेल फर्ट इज का ना बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें पर्टिकुलर एग्जाम में न्यूज हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले बिकॉज क्लैट में होता क्या है ना जनरली क्लैट में वन ट्वेंटी मिनट्स मिलते हैं कि छोटे मोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन होते हैं कि अगर हमारी रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं है हमारी इंटरप्रिटेशन स्पीड अच्छी नहीं है हम पहले से रीड रीड नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम होती है मेरे को यह भी पता है बिकॉज आई 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 एट दिस पॉइंट हैड प्रिपरेशन कि हम लोग ना जनरली स्कूल में इतने एविड रीडर्स नहीं है सब लोग कुछ लोग हैं बट मोस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ अस आर नॉट एविड रीडर्स हम लोगों ने बहुत ज्यादा रीड किया नहीं है कभी भी राइट right? हम अब शुरू करेंगे उन चीजों को तो अभी आप क्या कर सकते हो न्यूज पेपर डेली पढ़ो और एक न्यूज पेपर पढ़ना है कोई भी मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं इनमें से ही पढ़ना या तो आप रोज द हिंदू पढ़ सकते हो इधर यू कैन रीड द हिंदू डे और यू कैन रीड द इंडियन एक्सप्रेस एवरी डे आपके वहां पर जो भी अवेलेबल है आई थिंक कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे कि दोनों अवेलेबल नहीं है तो जिनके दोनों अवेलेबल नहीं है मान लो हमारे टाउन में कई बार दोनों चीजें अवेलेबल नहीं होती है तो हम आजकल हर चीज ऑनलाइन पढ़ सकते हैं है तो आप ई पेपर पढ़ लो उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ये एक डेली टास्क रहेगी जो हम मिस नहीं कर सकते यू कैन मिस दिस टास्क एट ऑल क्योंकि अगर आपने ये वाली टास्क मिस करी देन यू विल मिस आउट ऑन अलॉट बिकॉज वही बात है रीडिंग स्पीड डेवलप नहीं, 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 नहीं हो पाएगी इंटरप्रिशन डेवलप नहीं हो पाएगा मार्क्स में मार्क्स नहीं बढ़ेंगे और वो अल्टीमेटली फिर क्लैट लियर नहीं होगा तो मतलब ये पूरा वो कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशनशिप है तो ये बहुत जरूरी है आप किसी भी क्लैट टॉपर से पूछना कि उसने न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़े थे क्या दा, दैट पर्सन विल नेवर से नो है ना मतलब सौ में से आपको दो बच्चे भी ऐसे नहीं मिलेंगे जो आपको दे कि नहीं मैं तो न्यूज नहीं पढ़ता न्यूज बेकार चीज होती है ऐसा ठीक है नो हैव टू रीड और मुश्किल आदत है ऐसा आसान बोलते न्यूज पेपर पढ़ेंगे तो न्यूज पेपर पढ़ लेंगे कल इतना नहीं है रोज आपको एक तरह से खुद को पुश करना पड़ेगा सिंगल डे टू की वो डेढ़ दो घंटे लेके बैठना है मेरे को हेडलाइंस ऑफ न्यूज पेपर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एज वेल तो मेजरली एडिटोरियल तो वाला पेज होता है वो आपको पूरा पढ़ना रहता है एक टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट करके पेज आता है द हिंदू में वो पढ़ना होता है और अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो तो इंडियन एक्सप्रेस के उस पेज को एक्सप्लेन बोलते हैं तो एक्सप्लेन वाला पेज आता है यू कैन गो विद दैट इज वेल ठीक है तो आप तीन इन मेजर चीजों को पढ़ना है और उसके अलावा अगर आपको जो टाइम मिलता है मान लो स्पोर्ट्स पढ़ने में इंटरेस्ट होता है कई लोगों को फ्रंट पेज काफी तो मेजर न्यूज आ जाती है तो आपको जैसे कई बार क्या होता है अगर आप कोई भी न्यूज का फ्रंट पेज देखोगे ना तो उसमें एक छोटी सी न्यूज दे रखी होती है फिर वो बोलते हैं कंटिन्यूड पेज नंबर एट और पेज नंबर टेन वट तो वो कंटिन्यू करना है अगर आपको लग रहा है न्यूज इंटरेस्टिंग है तो कंटिन्यू करना है है ना एक क्लैट एस्पिरेंट के लिए मेरी एक छोटी सी और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जब आप क्लैट एस्पिरेंट बन गए हो ना यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट स्कूल जोन जोन इज दैट स्कूल स्कूल में उतना ही पढ़ते हैं जितना हमारे टीचर हमें बोलती है या फिर बोलते हैं है ना इतना ही पढ़ना है बस इतना ही एग्जाम में आएगा उन्होंने जो करवाया है वही एग्जाम में आएगा क्लैट इज अ नेशनल लेवल एग्जाम सो वेर एवर यू फील कि अच्छा इतना इनफ हो गया मेरे को आगे इससे कुछ नहीं करना इतना काफी है वहां पर आपको कोई बच्चा पीछे छोड़ जाएगा ऑलवेज कीाइंड एट यू ऑलवेज हैल अपना स्को आप ही ब्रॉडन कर सकते हो ठीक है इट इज ओनली यू हु कैन हेल्प यूर सेल्फ टू क्लियर दिस एग्जाम मी और एनी अर एजुकेटेड एनी वेर वुड हैव मेजरली अ थर्टी और थर्टी फाइव परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस बाकी जो सत्तर से पैसठ से सत्तर परसेंट जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आप ही कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा तो न्यूज पेपर इज ग डेली थिंग दट इज समथ यू हैव टू डू सबसे मुश्किल सब्जेक्ट जनरली अगर आप स्टूडेंट्स को बोलो प्रिपेयर कर, प्रिपेयर करते टाइम जिसमें उनको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है वो होता है करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा आता है में और मतलब क्या क्या आता है ये आप पास्ट के पेपर समझ जाओगे बट करंट अफेयर इज वन सब्जेक्ट वेयर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ठीक है ये एक सब्जेक्ट है जहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम फेस कर लेते हैं सो आई एम प्रेटी श्योर कि आप लोगों को होपफुली प्रॉब्लम नहीं होगी बट इनकेस अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो वी स्टिल हैव अ अलोल्यून फॉर इट बिकॉज करंट अफेयर में आई थिंक मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम्स होती है इवन इफ यू रीड द न्यूज़पेपर पेपर एवरी डे तो न्यूज़पेपर आपको बताएगा कि न्यूज में क्या चल रहा है वो हर चीज आपको स्ट्रक्चर्ड तरह से नहीं बताएगा कि आपको क्या पढ़ना है उसका स्टैटिक पार्ट क्या उसका बैकग्राउंड क्या हर चीज नहीं पता चलेगी यहां पे तो करंट अफेयर्स के लिए आई डू अस एवरी डे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एट फाइव पी एम एंड एट नाइन फिफ्टीन पी एम ठीक है हम दो क्लास करते हैं दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सारे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं वी डिस्कस ऑल द करंट अफेयर्स इन डिटेल आप इस क्लास में आ सकते हो इन दोनों क्लासेस में आओ आपका एक प्रॉपर रूटीन बन जाएगा बिकॉज एक रूटीन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली क्या होता है कि मान लो किसी दिन मैं क्लास एक बजे करूं फिर मैं आपको नहीं आज मैं तीन बजे करूंगा नहीं आज मैं आठ बजे करूंगा आपका रूटीन ही नहीं बन पाएगा मैं आपको फिक्स टाइम बता रहा हूं पांच बजे और सवा नौ बजे एक एक घंटे की क्लास होती है रोज पांच बजे पांच से छह सवा नौ से सवा दस इसमें क्वेश्चन भी होते हैं रोज इसमें रोज हम कॉन्सेप्ट भी करते हैं है ना इसमें कुछ रिविजन भी करते हैं तो ये क्लासेस को एक मतलब मस्ट अटेंड क्लास कर लो ठीक है ये क्लासेस जितने भी क्लैट टॉपर निकले ना अकेडमी उनकी मस्ट अटेंड क्लासेस थी

कि अब आप कौन से सेक्शन में वी को आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा चलो मान लो आपको रीडिंग पे प्रॉब्लम है तो अगर आपको रीडिंग में प्रॉब्लम है तो आपको तीन सब्जेक्ट में दिक्कत आएंगे कौन से वो तीन सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश क्रिटिकल रीजनिंग और लीगल रीजनिंग बिकॉज इन ऑल दीज थ्री सब्जेक्ट यू विल फाइंड पैसेज मतलब पैसेज बेस में ही विल फाइंड लॉन्ग पैसेजेस ऑल्सो इन दम इंग्लिश में ऐसे क्लैट की अगर आप कंसल्टेंट की वेबसाइट पर जाओगे ना तो वहां पर लिखा है कि भाई इंग्लिश में देवी लास्ट क्यू पैसे वर्ड लॉन्ग सी आर में भी 350 फिफ्टी वर्ड लॉन्ग एल में अगेन 450 फिफ्टी वर्ड लॉन्ग तो बड़े पैसेजेस आते हैं अब इसमें हमको जनरली क्या होता है हर सेक्शन में हर क्वेश्चन में पांच मिनट का टाइम मिलता है हर पैसेज पे कि उसमें को पैसेज भी पढ़ना है और पांचों क्वेश्चन सोल्व भी करना दैट इज अ चैलेंज ठीक है दैट इज अ चैलेंज आप स्टार्टिंग में एक मॉक टेस्ट दे के देखो नॉर्मल सा वन में से अगर आपने सौ क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दी तो दैट इज अ विन बट यहां पर जब आपको प्रिपेयर कर रहे हैं ना तो आपको एंड तक डेढ़ सौ क्वेश्चन की जिम्मेदारी हमारी है अगर आप कंसिस्टेंटली स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो कंसिस्टेंटली 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 मॉक टेस्ट करते करते हो करते हो क्लासेस अपने एक रूटीन बना के चलते हो अपनी क्लैट को प्रायोरिटी देते हो है ना इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो हंड्रेड परसेंट आप सारे के सारे डेढ़ सौ क्वेश्चन देख पाओगे देखो मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं आपको आज मान लो मैं क्लैट एस्पेरेंट हूं मैं सौ क्वेश्चन देख पाता हूं फिर मैं सौ देख पाया तो मेरे को सौ सारे तो आने जाएंगे सौ ही देखे हैं अभी तक सौ में से मान लो मैंने अस्सी क्वेश्चन करे अस्सी क्वेश्चन में से मैंने साठ क्वेश्चन सही करे इसका मतलब मैंने ट्वेंटी क्वेश्चन गलत करे एक क्वेश्चन गलत होने पर ट्वेंटी क्वेश्चन गलत होने पर कितने नंबर कटेंगे ये भी बेसिक सबको आनी चाहिए आइडियली तो ट्वेंटी क्वेश्चन करने होने तो में, में, में पांच नंबर कट जाएंगे ठीक है तो मेरा ओवरऑल स्कोर आएगा ठीक है ओवरऑल स्कोर आएगा फिफ्टी फाइव ठीक है अब मान लो मैं एक और ग्लाड एस्पर हूँ जो मैंने अच्छे से काफी सारे मॉक टेस्ट करे मैं देख सारे डेढ़ सौ क्वेश्चन लेता हूँ आई एम एबल टू वॉच ऑल दी फिफ्टी क्वेश्चन अब आप सोच रहे हो मेरे पर कितनी बड़ी चॉइस है पहले मैं सौ देख पा रहा था तो मैंने अस्सी की है जब मैं डेढ़ सौ क्वेश्चन देख पाया तो हो सकता है ना कि मैं एक सौ बीस प्लस क्वेश्चन कर लू एक सौ बीस के एक सौ पच्चीस के आसपास क्वेश्चन कर लू गुड चांस ऑफ डूइंग दीज मैनी क्वेश्चन

और कोशिश करो कि आप दो अटेम्प्ट ज्यादा कर पा रहे हो बस सिर्फ दो अगर आपने पिछले मॉक टेस्ट में एट्टी अटैम्प्ट किए थे अगले मॉक टेस्ट में कोशिश करो कि आपके एटी टू रहे बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है एक्चुअली हम क्या करते पहले तो कुछ काम ही नहीं करते फिर जैसे करने लग जाते हैं ना तो हमको रिजल्ट फटाफट वो नहीं आ पाते क्लाट में बिकॉज ये प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम है तो प्रैक्टिस करके ही आएंगे एक सिंपल सी बात है मान लो फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेट खेलना सीख रहे हो राइट अब क्रिकेट खेलने सीखने में क्या होता है मान लो आप बैटिंग सीख रहे हो तो बैटिंग में आपने पहले तो आपका एक महीने का कोर्स था आपने बीस दिन तो खेला ही नहीं आप गए ही नहीं आप सोते रहे घर पे इक्कीसवें दिन आप गए और आपको चाहिए कि मैं जाती बैट घुमा के सकता मारू इट इज नॉट पॉसिबल है वो बीस दिन वाले जो लोग सीख रहे हो बेवकूफ थोड़ी है वो लोग भी काम कर रहे हैं इतनी मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे उनको सही टेक्निक पता है तो यही तरीका है यहाँ भी इट्स अ प्रैक्टिस बेस्ड थिंग यू हैव टू लर्न इट यू हैव टू यू कुड से गो थ्रू दैट स्ट्रगल गो थ्रू दैट प्रोसेस टू बी एबल टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ठीक है तो इंग्लिश सी और एल इन तीनों की क्लासेस से ज्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान दो ठीक है मोर देन दी क्लासेज यू नीड टू वर्क ऑन दी प्रैक्टिस पार्ट ऑफ दिस फॉर इंग्लिश सी आर एज वेल एज एल आर तीनों की आपको प्रैक्टिस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा ये तीनों सेक्शन मिला के सौ नंबर के होते हैं क्लैट में है ना इंग्लिश इज थर्टी सी आर इज ऑल्सो थर्टी एंड दिस इज फोर्टी और मोस्ट ऑफ दी गुड क्लाइड एस्पेरेंट्स टेक देयर नंबर इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन बिकॉज जीके में क्या आएगा करंट अफेयर्स में क्या नहीं आएगा ये किसी को नहीं पता आप बहुत सारे टॉपिक करके जा सकते हो अपना मैक्सिमाइज को स्कोप कर सकते हो तो उम्मीद करते हैं हम कि अच्छा आएगा मैथ्स में भी उम्मीद करते हैं बट उसमें क्या होता है बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें मुश्किल आ गया तो हम नहीं कर सकते हो फैक्ट पूछ रहा है वो तो फैक्ट कई बार नहीं पता होता है हमें कितने करंट अफेयर्स पता हो सकता है ना हम कितना प्रिपेयर कर ले तो कई बार वो गलत हो जाता है हमसे यहां ये ऐसे सेक्शन है जो अगर आपको आते हैं तो आते हैं ये गलत नहीं होते फिर आपको जो तरीका करना आ गया तो आप सही करके आओगे तो बहुत सारे जो अच्छे क्लैट निकाला है वो सौ में से 90, 90, 90 प्लस नंबर ले आपने पूरे सौ अटेम्प्ट कर लिया नब्बे राइट आपको अगले दो तो सब्जेक्ट में मिला के अगर बीस पच्चीस नंबर में मिलते हैं ना पचास में से आप पक्का एस बैंगलोर जाओगे पक्का आपकी डबल डिजिट रैंक आएगी ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं सिंगल है डबल डिजिट तो आपको समझना पड़ेगा उसके लिए कि ये जो रीडिंग वाले सेक्शन है ना इनकी क्लासेस क्योंकि क्या होता है क्लासेस बड़ी है अभी मैं आपको बोल रहा हूं तो सुनना काफी कन्वीनियंट लग रहा है कि भाई सर बोल रहे हैं अच्छा बोल रहे हैं सुन लेते हैं है ना कुछ सिखाई रहे हैं अब मैं आपको बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करो तो वो बात आप सुन तो रहे हो लेकिन उसको करोगे नहीं हर बार क्योंकि वो करोगे क्योंकि उसमें रखती मेहनत है ना उसमें बैठना पड़ता है कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है फोन को साइड में रखना पड़ता है रीले नहीं दिखती बीच में है ना तो वो दिक्कत होती है यहाँ पे

बिलीव मी दो पीपल हु डू दिस पर्टिकुलर एग्जाम फ्रॉम वन थर्टी फाइव दे विल नेवर गो टू अर टॉप फाइव देर इज अ वेरी ब्लीक चांस की आप टॉप फाइव एन एल निकालो तो अगर आप टॉप फाइव के लिए एम कर रहे हो तो ये पंद्रह नंबर आपको हाथ में लेके चलने पड़ेंगे मैथ्स ना इसमें एट्थ स्टैंडर्ड का आता है इसमें वही टॉपिक्स आते हैं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट एवरेज एवरेजेस एंड परसेंटेजेस रेशियो प्रपोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हम कर सकते हैं ना सॉल्व कर सकते हैं हम लोग पता है क्या करते हैं कई बार ना हम लोग अपनी गलती मतलब एक तरह से आइडेंटिफाई करते हैं जैसे फॉर मैं बोल रहा हूँ वीक है अब अगला सवाल ये है यू नीड टू आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन यो की अगर वीक है तो वॉट डू आई डू अबाउट इट लाइफ में आगे जाकर बहुत सारी चीजें वीक होंगी तो अब क्या बैठ जाएंगे कि ये तो नहीं आएगी हमें कभी भी वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस नो वी हैव टू लर्न दीज थिंग्स तो मैथ्स आप कर लोगे अभी 11 महीने का टाइम है आपके पास ठीक है अगर आप एक काम करो अब आज से मतलब अगर आप प्रिपरेशन में जेन्युनली अच्छे से करना चाहते हो एक टॉपिक पकड़ो मान लो आज आपने पकड़ा एवरेज परसेंटेज का नाम सुनते मेरा पेन भी बंद हो गया आज तो चलो अब चल गया ठीक है एवरेज इन परसेंटेज आपने चूज करा कि मैं ये वाला दिस इज वन टॉपिक दैट आई विल डू प्रॉपरली ठीक है अगले दस दिन एवरेज परसेंटेज के पैसेज बेस्ड रोज दो पैसेजेस प्रैक्टिस करो पहले सबसे पहले दिन तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ो ठीक है और एक आज जो आसपास प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है वो कर लो लेकिन उसके बाद में अगले दस दिन सिर्फ एवरेज परसेंटेजेस के सिर्फ दो क्वेश्चन तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है और इनफैक्ट क्या करो तीन कर लो क्योंकि क्या होता है इसमें तीन पैसेजेस आते हैं तो आपको टाइम भी पता चल जाएगा कि आपको करने में दिक्कत कितनी होती है कई बार में कैलकुलेशन भी स्लो जाती है हमारी तो इसलिए तीन पैसेजेस कर लो ठीक है ठीक है तीन पैसेजेस कर लो तो so, तीन पैसेजेस करोगे रोज ऐसे फिर उसके बाद में क्या होगा एवरेज परसेंट के दस दिन खत्म हुए उसके बाद में रेशियो प्रोपोर्शन लगा लो उसको दस दिन दो फिर प्रॉफिट लॉस लगा लो उसको दस दिन दो आप सोचो दो महीने के अंदर अंदर कोर्स ही खत्म कर दोगे मैथ्स का ज्यादा से ज्यादा तीन महीने और आपके पास ग्यारह महीने हम रिवाइज भी कर लेंगे हमारी कैलकुलेशन भी बेटर हो जाएगी तो मैथ्स कर अब पंद्रह मिनट तो रोज निकाले जा सकते हैं मुझे पता है पंद्रह मिनट तो हर आदमी वेस्ट कर रहा है चाहे आप कितने भी बिजी हो आप बोलोगे सर हम स्कूल जाते हैं उसका इतना होमवर्क होता है स्कूल के इतने होते हैं फिर आपका आप भी पढ़ाते हो दो क्लास तो आप कम से कम रोज लेते ही हो उसके बाद में बाकी भी तो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं उनकी प्रैक्टिस भी तो करनी है तो पंद्रह मिनट कहां से निकाले पंद्रह मिनट वहां से निकालो वो जो बिना बात बाद रील देखते हो ना रोज है ना वो इतने सारे हम देखते हैं वो यूट्यूब पर बहुत ही रैंडम से एंटरटेनमेंट की वीडियो देखते हैं मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अपनी लाइफ से फन खत्म कर दो बट इट शुड नॉट हैपन एट दी कॉस्ट ऑफ योर क्लैट एग्जाम क्लैट एग्जाम क्लियर होगा तो फिर आपके पास मतलब ऐसा नहीं कि बहुत फन है आप बहुत मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन एक तरह से आपको क्लैरिटी तो होगी इनसिक्योरिटी तो खत्म हो जाएगी ना अगर आपका क्लैट एग्जाम क्लियर हुआ आज से क्लैट में बड़ी अच्छी बात हो गई आज क्लैट ने आपको एक इंसेंटिव दे दिया क्लियर करने के लिए तो क्लैट एग्जाम होता है डिसंबर में हर साल इस साल भी डिसंबर में होगा डिसंबर में ही वो रिजल्ट दे देते हैं उसका एंड तक ठीक है मतलब न्यू ईयर से पहले आपको पता चलेगा कि आप कौन से कॉलेज जा सकते हो क्योंकि आपको रैंक मिल जाती है राइट अब आपके पास अगर आप ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में हो तो सिर्फ बोर्ड का एग्जाम बचा जो कि आपको इतनी टेंशन नहीं होगी आपका क्लैट पहले निकल चुका है बोर्ड में मिनिमम फोर्टी फाइव परसेंट रिक्वायरमेंट है तो आप एक ठीक ठाक सा पढ़ के भी जा सकते हो राइट right? अगर मान लो आप ड्रॉपर हो आपके पास छह महीने फ्री आप घूमो मतलब हर जगह घूम सकते हो आपको जो करना है करो है ना आपको कुछ सीखना बाकी रह गया था कुछ करना बाकी रह गया था लेकिन उसके लिए पहले ग्यारह महीने थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एक्चुअली पता है क्या होता है या तो हम बिल्कुल एक्सट्रीम में जीते हैं कि हम या तो बिल्कुल ही फोड़ देंगे दो दिन हमें लगता है कि हम सब कुछ एकदम निकाल देंगे कोई हमारे सामने नहीं अड़ेगा मैं फर्स्ट आके दिखाऊंगा और फिर वो वो झील इतनी ज्यादा होती है कि वो दो ही दिन रह पाती है फिर उसके बाद में हम सीधे पर आते हैं और ये, ये जनरली ज्यादा टाइम तक रहता है आराम से करो प्रिपरेशन ठीक है एकदम आराम से प्रिपरेशन करो दिस पर्टिकुलर एग्जाम इज मेंट मेंट फॉर फॉर यू इट इज एवरेज एवरेज पीपल पीपल एंड हु आर एबल टू डू सर्टन कंसिस्टेंटली आर एबल टू क्रैक दिस एग्जाम तो अगर आपको लगता है कि यू हैव इट इन यू टू यू कूड से वर्क इन दैट मैनर यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट डेफिनेटली वर्क फॉर इट राइट उसमें आपको मतलब बिल्कुल भी फिर वो दोरा नहीं होने चाहिए को सोचना नहीं है कि मतलब मेरे को करना है नहीं करना है क्या करना है तो यू हैव इट अभी वापस से बोल रहा हूँ आपको बस वो रिकोगनाइज करना है और अंदर से जील लानी है पैशनेट होना है एग्जाम को क्लियर करने के लिए ठीक है बाकी रोज क्लासेस आते रहो फाइव भी एम नाइन फिफ्टीन भी ऑलरेडी बताया उनको एक अपना रूल बना लो कि मतलब कुछ भी हो जाए चाहे जा दुनिया इधर से उधर हो जाए ये वाली क्लासेस तो करनी करनी है कभी बहुत बड़ी इमरजेंसी होती है तो हम उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं लेकिन जनरली लाइव क्लास में आओगे ना तो आपका रूटीन बना रहेगा कि मतलब पाँच बजे और सवा नौ बजे मेरे को ये करना ही करना है तो मेरे को मतलब क्लास मेरी सेट है क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग क्या कई सारी इकट्ठी हो जाती है कर नहीं पाते उनको फिर वही सिस्टम हो जाता है तो इसलिए आपको इस तरह से इसको प्रिपेयर करना है अगर कोई भी डाउट है तो उसको कॉमेंट बॉक्स में मैंशन करो आई वी वी वेरी हैप्पी टू टेक इट फ्रॉम देयर एंड आंसर फॉर यू देयर ऑल द बेस्ट गैस डू वेर